हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन की, यानी कि हमारी जो बॉडी में पानी की कमी आ जाती है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल क्लिनिक जाते हैं, तब डॉक्टर बोलता है कि आपकी जो है बॉडी में पानी की कमी आ गई है, शरीर में पानी की कमी आ गई है, उसको पूरा करना है। और इस वजह से कुछ प्रॉब्लम जो है सामने आती है, बीपी लो रहता है और जो है चक्कर आते हैं, बेचैनी सी रहती है, नींद नहीं आती है, बहुत कमजोरी हमारी बॉडी में आ जाती है, तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि अगर पानी की कमी आती है तो इसको हम कैसे पहचानेंगे और इसके क्या कारण होंगे जो हमारी बॉडी में पानी कमी आ जाती है और इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, मैं हूँ आरिफ खान और आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने आरिफ फार्मा क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे डिहाइड्रेशन की, पानी की कमी की, बॉडी में होने वाले पानी की कमी। तो फ्रेंड्स, ये क्यों होती है? सबसे पहले हम बात करेंगे क्यों होता है। फ्रेंड्स, जब हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट जब लॉस हो जाते हैं तब पानी की कमी हमारी बॉडी में आ जाती है। मतलब ये कब लॉस होते हैं? जब किसी इंसान को डायरिया हो, यानी कि जिसे दस्त बोलते हैं, अगर दस्त होते हैं तो हमारी बॉडी में पानी की कमी आ जाती है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट जो है लॉस हो जाते हैं दस्त में, या फिर वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, किसी वजह से बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा मतलब उल्टियां हो रही हैं, तो उस वजह से भी जो है इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं। या फिर क्या होता है, कभी कभी हम जो है लाइट से जो करंट लग जाता है या फिर जल जाते हैं, उस वजह से भी जो है हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट की लॉस हो जाते हैं तो पानी की कमी आ जाती है। तो ये वजह जो है इन कारणों से ये होता है। या फिर कोई धूप में ज्यादा काम करते हैं, जो मजदूर टाइप के लोग होते हैं वो जो धूप में काम करते हैं, तो इस वजह से भी जो है उनमें जो है पानी की कमी आ जाती है। तो ये वजह होती है पानी की कमी की। अब मैं बात करूंगा इसके लक्षण की, अगर पानी की कमी आती है तो क्या लक्षण दिखाई देने को मिलते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो स्किन होती है अपनी वो ड्राई रहती है, सूखी रहती है, होठों पर जो है पपड़ी सी आ जाती है, सूखे रहते हैं होठ, और बेचैनी सी रहती है, नींद नहीं आती है, घबराहट सी रहती है, जब पेशाब के लिए जाते हैं तो येलो पेशाब आता है, कलर जो होता है येलो होता है, और बहुत कम पेशाब आता है, और प्यास जो बार बार लगती है, तो इस तरीके की जो है कंडीशन सामने आती है, सिम्टम आपके सामने आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब खुद को मतलब ऐसा लगता है जैसे कितनी कमजोरी आ गई है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, बॉडी में मतलब ढीलापन रहता है, हाथ पैर ढीले रहते हैं, हम नींद आती है, जब ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तो बीपी भी हमारा लो रहता है, तब ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ये सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा इसके इलाज के बारे में कि हम इसका क्या इलाज करेंगे अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी आ जाती है। तो दोस्तों, जब पानी की कमी आ जाती है तो ORS आता है, मेडिकल स्टोर पे कहीं भी मिल जाएगा, ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये आपको एक लीटर पानी में एक पाउच को मिलाना है और जब भी आपको प्यास लगे वही पानी आपको पीना है, और इलेक्ट्रोलाइट का एक जो है पाउच आता है उसको ऐसे करना है, या फिर ग्लूकोन डी आता है उसको आप लेंगे तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, एनर्जी आपको मिलेगी। अगर आप में जो है डिहाइड्रेशन ज्यादा है, पानी की कमी ज्यादा लग रही है, या फिर आप करंट लगा है, या फिर ज्यादा मतलब वोमिटिंग हुई है, डायरिया हुआ है, या पेचिस है, इस वजह से आपको जो है पानी की कमी है, तो फिर उसमें डॉक्टर क्या है आपको NS लगाते हैं, नॉर्मल सेलाइन जो होता है, 0.9% उसमें सोडियम होता है, तो वहां पर उसके साथ कोई भी मल्टी विटामिन इंजेक्शन लगाकर आप IV फ्लूड देते हैं और RL देते हैं, D5 देते हैं, तो ये जो है आपको ये ड्रिप लगती है NS, D5, RL, और 24 घंटे में 3 से 4 ड्रिप आपको ये लगा सकते हैं, पानी की कमी जो होती है वो उससे पूर्ति हो जाती है। उसके साथ में आपको क्या करना है, कोई भी मतलब पीने की चीज जो होती है उसको ज्यादा यूज करना है, नारियल पानी लेना है, पानी 5 से 7 लीटर पानी आपको डेली पीना है ज्यादा, तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। तो ये थी इसकी पूरी जानकारी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर मुझसे कोई सवाल मतलब बताने से रह गया है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।